नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, राज्य वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उच्चिष्ट चंडालनी साधना। उच्चिष्ट साधनाओं के बारे में मैंने एक बात बहुत ही क्लियरली बताया कि उच्चिष्ट साधनाएं गृहस्थों को नहीं करनी चाहिए, और उच्चिष्ट साधनाओं के बदले जो आम साधना है, जो सात्विक साधनाएं हैं, वो गृहस्थों को करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको उच्चिष्ट साधनाओं में विशेष इंटरेस्ट है, तो मैं आज उच्चिष्ट चांडालनी का विधान बताऊंगा काली किताब के अनुसार। वाम मार्ग का ये तंत्र है, अघोर मार्ग का तंत्र नहीं होता है उच्चिष्ट। अघोर मार्ग का तंत्र उच्चिष्ट क्यों नहीं होता है ये भी मैं आपको आज बताता हूँ। उच्चिष्ट का अर्थ होता है जो कि इम्प्योर हो। उच्चिष्ट का मतलब हुआ जो कि सात्विक ना हो, जो शुद्ध ना हो, उसको उच्चिष्ट कहते हैं। अघोर में संभाव होता है, तो अघोर में प्योर और इम्प्योर जैसा शब्द का कोई मायने नहीं होता है। हर चीज़ देवताओं या फिर महाशून्य, महाकाली, महामाया के प्रसाद से महादेव द्वारा बनाया गया है, तो उनका बनाया हुआ किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं हो सकता है। जो है उसको होना था, इसीलिए वो है, तो वो ना प्योर हो सकता है ना वो इम्प्योर हो सकता है, वो सिर्फ एक भगवत कृत है, ऐसा अघोर में माना जाता है। इसीलिए उच्चिष्ट साधनाएं जैसी कोई भी चीज़ अघोर पंथ में नहीं होती। तो अब मैं आपको बताता हूँ उच्चिष्ट चांडालनी साधना, ठीक है। इस साधना के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो होता है लाल चंदन का माला। देखो यहीं पे खेल शुरू हो गया। लाल चंदन का माला जो आपको मार्केट में 100-150 रुपए में मिलेगा, वो लाल चंदन नहीं होता है, वो लकड़ी रंगी हुई होती है। तो जिनको सीरियस उच्चिष्ट चांडालनी की साधना करनी है, उनको लाल चंदन खरीद के, और उस किसी कुम्हार बोलते किसी लकड़ी के काम करने वाला को दे करके, और फिर उससे एक जाप माला 108 का बनवाएंगे, ठीक है। इस साधना को संडे से शुरू करते हैं और 49 डेज तक करते हैं। साधना को सुबह सुबह उठते के साथ 108 बार जाप करेंगे। जाप करने के बाद जब आप मल त्यागने जाइएगा, तो मल त्यागते समय भी इसका जाप आपको करते रहना है, और पूरे दिन में जब भी आप मूत्र त्याग करेंगे तब भी इसको 21 बार जाप करना है। 49 डेज के साधना काल में नहाना या अपने शरीर के किसी भी अंग को साफ करना मना है। साथ में आप धोए हुए कपड़े नहीं पहन सकते, आप अपने कमरे की सफाई नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो है नीचे ही अपना बिस्तर लगाकर सोएंगे, लेकिन सफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 49 डेज तक सुबह उठते के साथ 108 साधना, मुंह नहीं धोना है, नहाना नहीं है, किसी भी तरीके का सफाई कर्म नहीं करना है। सुबह उठते के साथ आप जाप शुरू करेंगे, मल त्याग करते समय भी आप जाप करेंगे, और जब भी मूत्र त्याग करेंगे पूरे दिन में लघु शंका जब भी आप जाएंगे, तो आप 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। तो मंत्र क्या है? मंत्र है ओम नमो उच्चिष्ट चांडालनी पुर पाटन छोभामी आकर्षणी आकर्षणी आकर्ष आकर्ष द्रव्य आनय आनय रिम फट स्वाहा। इस मंत्र को जब आप जाप करिएगा, तो पहले सप्ताह में आपको बहुत सारा सपना आएगा, दूसरे सप्ताह में बहुत ही विचलित करने वाला सपना आएगा, तीसरा जब सप्ताह आप चले जाइएगा तो आपको विचित्र तरह के लोग सपना में दिखेंगे जो कि आपका अहित करेंगे, चौथे सप्ताह में आपको मांस मदिरा दिखेगी, छठे सप्ताह के बाद से सातवें सप्ताह में आपको माँ का आभास हो जाएगा। तो ये होगा आपका उच्चिष्ट चांडालनी साधना।
जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। मेरी ये कामना है कि माँ चंडालिनी आप लोगों पे अपनी कृपा बरसाते रहे। आज के लिए इतना ही। उज्जैन में 16, 17, 18 मैं रहूँगा। जिनको आकर के मिलना है और जिनको शिविर में शामिल होना है वो वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करा लें। मेरा एक व्हाट्सएप का साधना ग्रुप है अघोर तंत्र रहस्य का, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप है, जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खरीद के पढ़ लें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए फिर से वही मेरे वेबसाइट पे जाएंगे। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट मुझसे कॉल पर बात हो सकती है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।